हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज आपकी 16 नवंबर और आज से फिर से हम वही एनर्जी के साथ शुरू करें आपका लाइव सेशन करंट अफेयर्स का। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारी करंट अफेयर के चैनल है दोस्तों, डेली आपको करंट अफेयर्स के वीडियो प्रोवाइड करती है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ से PDF बिल्कुल फ्री में दी जाएगी पढ़ने के लिए, और करंट अफेयर्स की जो है लाइव क्लास या फिर वीडियो अपलोड हो जाएगी हमारी चैनल पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक SSC GDA SSC MTS या फिर कोई भी स्टेट लेवल की SEPO हो गई या फिर GPSC UPSC, तो आपको यहाँ से डेली करंट अफेयर्स जो है इसकी जिम्मेदारी हम उठाते हैं। आपको यहाँ से डेली करंट अफेयर्स मुफ्त में प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं पहले की तरह फिर से एनर्जी के साथ हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हाल ही में इंडिया स्टोनमार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमारा पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन बना है इंडिया स्टोनमार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो होने वाला है उसके 11वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा, जयपुर, भोपाल या फिर हैदराबाद? तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर जयपुर को, जो कि राजस्थान में, आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए। ओके, यहाँ पर देखिए राजस्थान आपको दिया गया है। यहाँ पर प्रसिद्ध शहर आपसे पूछा जाए राजस्थान से तो बीकानेर याद रखिए, राज्यपाल ये कलराज मिश्रा जी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है। मुकुंदरा हिल्स रणथंभौर एवं सरिस्का है और भरतपुर के समीप केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान आए हुए हैं। टोटल उद्यान हो जाएंगे आपके 4, एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बातें भी राजस्थान से याद रखिएगा, कभी भी रणथंभौर आपसे पूछ लिया जाता है या फिर सरिस्का पूछ लिया जाता है तो यहाँ से मिस मत करिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में ऐसे एक मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किए है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, मातृत्व लाभ के लिए अभी ऐसे एक ऑनलाइन पोर्टल जो है किसने शुरू किए, तो आपको याद रखना होगा भूपेंद्र यादव जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्री है और भूपेंद्र यादव जी राज्यसभा जो है आपकी राज्यसभा उसके जो है एक आपके क्या सभ्य है, तो इस बात को भी याद रखिएगा, राज्यसभा के सभ्य भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया ऐसे एक मातृत्व लाभ। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिन मनाने के रूप में मनाया है? तो दोस्तों बाजरा दिवस 10 नवंबर को किस राज्य ने मनाया है, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा या फिर हरियाणा? तो दोस्तों आपको याद रखना होगा यहाँ पर बाजरा दिन जो है हरियाणा में मनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? दोस्तों देखिए, MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा MSME के लिए, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट, हाल ही में अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? दोस्तों देखिए, सबसे गर्व की बात है अमेरिकी जो प्रजा आई थी आपको पता होगा कि बहुत पहले के ज़माने में, ओके 1814 के आसपास उस वक्त उन्होंने हम पर राज किया था। अभी हमारे जो भारत के लोग हैं वहाँ जाकर राज कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सेम किस्सा आपको सुनने को मिल रहा होगा। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय मूल की अमेरिकी बनी है? तो आपको याद रखना होगा मैरीलैंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब उन्हें जो है हमें मौका मिला है उनको जो है उन्हीं की भाषा में समझाने का। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में पहली बार भारत और आसियान के किन मंत्रियों के बीच सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों भारत और आसियान जो है उसके बीच में सम्मेलन आयोजित किया गया है किन मंत्रियों के बीच में, वो भी पहली बार मनाया गया, फर्स्ट बार है, तो आपको याद रखना होगा रक्षा मंत्रियों के बीच में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा रक्षा मंत्री। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए आसियान के बारे में जो आपको दिखा दे रहे हैं सभी स्टेट्स जो है वो आसियान के मेंबर्स है। आसियान शिखर सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक विकास के संबंध में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के सदस्यों द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बैठक है, तो इस बात को याद रखिएगा आसियान से। नेक्स्ट, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स 2022 खिताब जीता है? तो दोस्तों देखिए कि टेनिस खिलाड़ी जो है आपको पता होगा कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम चुन लीजिए वहाँ पर स्पोर्ट्स आपको जो है एकदम से क्लियर होने चाहिए कौन से और किस खेल में दिया जाता है, खास कर SSC की एग्जाम के लिए, तो याद ही रखिएगा इसे। टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर जो है उसका खिताब जीता है किन्हें,
होल्गर रूने, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए रोजर फेडरर, याद रख लीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में बालोग मेले का आयोजन किया है? तो याद रखिए कि भारतीय सेना जो है उसने बालोग मेले का आयोजन किया है कहाँ पर, ओडिशा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों वहाँ पर भारत में सबसे पहले जो है सनराइज होता है, इस बात को याद रखिएगा। सनराइज सबसे पहले भारत में अरुणाचल में होता है और पूरी दुनिया में जापान में होता है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। यहाँ पर भारत के जो है इस हिस्से में आया हुआ है। राज्यपाल है बी डी मिश्रा जी, मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, बीजेपी से है। प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में बर्मा में और म्यांमार में, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती है। ईटानगर इसकी राजधानी है, इस बात को खास याद रखिए, ये वाली बात ना भूल जाए फिर भी चलेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, इस बात को मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट, हाल में बिम्सटेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी किसने की है? दोस्तों पता होगा कि बिम्सटेक जो है उसकी अभी बैठक हुई थी कृषि मंत्रियों की, उसकी बैठक जो है उसकी मेजबानी हमारे देश भारत ने की थी, जो यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, आपको याद रखना होगा भारत। ओके, इनमें से कोई नहीं बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आपको पता होगा कि भारत जो है पहले से ही कृषि प्रधान राष्ट्र रहा है और अभी भी 44 या 45 के आसपास जो है अभी भी हमारी आय यहाँ से बनती है कृषि से, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड जो है हरियाणा को मिला है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा हरियाणा। यहाँ पर देखिए हरियाणा के बारे में बात की गई है, हरियाणा यहाँ पर आपका इंडिया में आया हुआ है। मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री है, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। 1960 के दशक की हरित क्रांति में हरियाणा का भारी योगदान रहा है जिससे देश खाद्यान्न संपन्न हुआ है। हरियाणा जो है वहाँ पर आपकी जो क्रांति हुई थी हरित क्रांति, ओके, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इसका योगदान दिया गया और फसलें जो है कितनी बढ़िया बात ही मत पूछो। हरियाणा जो है सब पैसे में दूसरा नंबर का राज्य बन गया पूरे भारत में, वहाँ पर जो है गाँवों में भी करोड़पति रहते हैं, इस बात को याद रखिएगा हरियाणा से। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना है? दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र इंडिया में है, इंडिया के हिमाचल प्रदेश में टसोंगंग जो है, टसोंगंग वहां पर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि चाइना की बॉर्डर से बिल्कुल राइट में है, पास में 10 किलोमीटर लगता है बस, वहां से चाइना की बॉर्डर आपकी आ जाएगी। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में स्थित टसोंगंग नामक जगह का केवल देश बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र होगा। इस पोलिंग बूथ का निर्माण चीन की सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी और 15,256 फीट की ऊंचाई पर किया गया है, तो इस बात को याद रखिएगा, 15,256 फीट की ऊंचाई पर है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में IMF किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों याद रखिए कि $4.5 बिलियन का ऋण प्रदान करेगा, तो याद रखना होगा बांग्लादेश, ऑप्शन और भी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर। ओके दोस्तों, आज के दिन से मिलने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होते हैं। थैंक यू वेरी मच, और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करना मत भूलिएगा।